जा रहे थे, ऑटो ऑटो पे रोक के 5 जने अटक करे उनके ऊपर। उनके 5 बेटे हैं, अजीज़ वसीम रियाज, पूरे 5 बेटे, उनका दामाद इन रहमान और शौकत मिल के हाथ पकड़े करते अटैक करे। कैमरे में सीसीटीवी कैमरे में पूरा है, वहाँ पे जाके आप लोग देख ले सकते हैं। रजनी की जान का धोखा है, बहुत खून बहुत बह रहा है उनको, दूसरे दवाखाने में शिफ्ट करो बोल रहे, ऑपरेशन करने की सख्त ज़रूरत है कहते। वजह एक दूसरे को देख रहे थे लोग, तो गाली गुफ्तार के हुआ। अभी काम पर जा रहे थे हमारे शहर, वो लोग मिल के जो है अटैक कर डाले। नाजा है कि खाली पीली के अटैक करे, बात वैसे करना था, क्या दुश्मनी थी, मेरे को बोला था ना मेरे आदमी को कहीं को अटैक करे लगा, वैसे बात करना था ना, उन्हें मेरा भाई था ना, उन्हें वैसे बात करना था ना, उन्हें मेरे आदमी के ऊपर कहीं को अटैक करा उन्हें। मेरे को इंसाफ होना बस, क्या करता है ना क्या। ये देखो 5:30 के टाइम पे हुआ है, 5:30 बजे। हाँ, अभी कंप्लेंट वगैरह हुआ? कंप्लेंट हुआ, मेरे आदमी को दूसरे दवाखाने को शिफ्ट कर रहे, ऑपरेशन है कहते, बहुत सख्त ज़रूरत है ऑपरेशन की। जो भी अटैक करे उन्हें छूटना नहीं है, उनको बड़ी से बड़ी सज़ा दे उनको। या अल्लाह, रियाज चाकू फिर आ गया, चाकू से अटैक करा करते रियाज, चाकू से अटैक करा करते रियाज, रियाज नाम है उसका, चाकू से छुरी से मारा, चरपटा मारा पेट के तरफ, खून रुकने का नाम नहीं लेना, नाम ले रहा रियाज भी नहीं बचना। रियाज का भी 5 जने 5-6 जने मिलकर अटैक करे। रहने वाले कहाँ के आप लोग? हम लोग जबाबाग के रहने वाले हैं। जबाबाग लड़ाई हुई कहाँ पे? जबाबाग में थी, आसिफ नगर रोड पे हुई। फैमिली मैटर नहीं है साहब, फैमिली मैटर था, खत्म हो गया साहब, भाई बहन का रिश्ता था, उन्हें मेरे को आके बोलना था क्या हुआ क्या नहीं। रफीक कुरैशी का दामाद हूँ, मेरे को नहीं मालूम 5:30 को कुछ इनके साले शौकत अजीज़ुल्लाह वसीमुल्लाह अटैक करे, यहाँ पे पीएस को लेके आए, पीएस को लेके आए, बाद में फिर ओलिफ को ज़्यादा फट गया, पूरा पीएस में खून, पूरा दवाखाने में ओलिफ कन पूरा खून। फिर मैं देख लेते अंदर गया तो ट्रीटमेंट चालू करे, मैं आए बाद में ट्रीटमेंट चालू हुए बाद में क्रिटिकल है, मैं आए बाद में यहाँ ठहरा हुआ हूँ तो बच गया क्या बोल के फिर आया हूँ शौकत अटैक करने, मैं ढकल रहा हूँ फिर भी अटैक करने आया हूँ। ये रफीक कुरैशी का साला है, शुरू से उसको इनसे ताचुर पना है शुरू से। और एक बात, ये हर टाइम ऐसी शख्स का पलट के 2-4 दिन से उनको घुरमघारी कर रहे थे, आज कारोबार को जा रहे हैं उन्होंने 5 बजे रुका के उनके घर कन बोल रहा कहते इसको तो मारना ही मानना है बोल के अटैक करे, और सीसी कैमरे हैं वहाँ पर जयाबाग में जहाँ अटैक करके रुका के मारे उनको, और 6-7 जने पकड़ के मार दो उसको बोल के कैंची से अटैक करे। हाँ, और सीसी कैमरे वहाँ पर ऑलरेडी है सामने, पीछे से एक जने पकड़े 4 जने पकड़ लिए, शौकत बोल रहा मार दो उसको, आज मार देना चाहिए उसको बोल के। और बोलते तो सर्कल साहब से, हमारे सीपी साहब से, हमारे डीसीपी साहब से गुजारिश है, ये इन लोगों का ज़्यादा छोरा हर टाइम का है, एक वक्त का नहीं है, इन लोगों का हर टाइम का है, शुरू से इनकी शादी हुई जब से शुरू से इनका ये किस्सा है। आप लोगों से गुजारिश है, हमारे सर्कल साहब से, डीसीपी साहब से, हमारे सीपी साहब से, आप लोगों से गुजारिश है, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से गुजारिश है, आपसे सख्त एक्शन लेना आप लोग इन लोगों के ऊपर, अगर कुछ हो गया घुसाना खासा तो इनके बच्चों को कौन पालेंगे, कौन देखेंगे उन ऑटो पाल जी आप, मैं उनका दामाद हूँ, अगर खुदा ना खास्ता हो गया कुछ भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कौन पालेंगे, ना मैं पालता हूँ ना कौन पालते, कमाने वाले उन्होंने एक ही जने हैं, ऑटो चला के पालने वाले हैं उन्होंने, उनके ऊपर अटैक हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, बिल्डिंग रुक रही थी, कौन दुनिया का भाग गया, वहाँ पर भाग गया, पीएस में भाग गया, यहाँ भाग गया, कौन जिम्मेदार है इसका। और इससे पहले ऑलरेडी ये कुछ आयाच नहीं आके चुने, मैं अच्छा हुआ मैं रुका बोल के, मैं अकेला छूँ आया तो ढकला में जहाँ फिर आगे अटैक करने वाले थे वहाँ, मैं ढकल के फिर वहाँ जब गए पुलिस वाले आए तो जब गए वहाँ, नहीं तो फिर कुछ फिर अटैक करने वाले थे वहाँ, इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे। आप कंप्लेंट दे दिए हमारे SI साहब आए हुए हैं, हमारे गुजारिश है सर्कल साहब से, AC साहब, DCP साहब से गुजारिश है, CP साहब से सख्त एक्शन लेना आप लोग, कुछ खुदा ना खासा इतने 4-5 इंच डीप चले गया, वो ब्लीडिंग रुक रही नहीं, अब ओली वाले बोल रहे यहाँ पर नहीं होता, वो ब्रांच को बड़े ब्रांच को ले लेके जाओ बोल के बोल रहे, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार है।